गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्ट्रैक्शन इन द इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शंस। सो आवर टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सो पहले हम सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। सब्ट्रैक्शन हमें आती है इंटीजर्स की, पहले हम बेसिक सब्ट्रैक्शन करेंगे जो हम लोअर क्लासेस में करते रहे हैं। सो बेसिक मेथड, वी हैव टू इंटीजर्स, ठीक है। हमने ये डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है लास्ट ग्रेड में। हम पहले इसका रिवाइंड करेंगे, उसके बाद इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और सब्ट्रैक्शन हम नंबर लाइंस की हेल्प से कैसे करेंगे वो देखेंगे। सो बेसिक मेथड क्या है, हमारे पास 3 है, इसमें से हम 2 माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम -3 में से -3 में से हम 5 को माइनस करते हैं, -3 -5 हमारा आंसर क्या आएगा, -8। सिमिलरली इफ़ वी सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम द 1 वी गेट -6, ये हमारे आंसर आएंगे, ठीक है, ओके। सो अब हम इन्हीं सभी 3 एग्जांपल्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन या सब्ट्रैक्शन विद यूज द नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। आप इसको ऑन नंबर लाइन बोल दो, यूज द नंबर लाइन बोल दो, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन बोल दो, कैसे भी आप इसको बोल सकते हो। देयर आर अनदर वेज टू से दिस टॉपिक, ओके। इसी टॉपिक को बोलने के अलग अलग डिफरेंट वेज हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं 3 और -2 को नंबर लाइन पर, इनकी सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन पर कैसे करेंगे। देखो, एक मेथड है हमारे पास, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन पर भी 2 मेथड हैं, पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बताऊंगा, फिर सेकंड मेथड। सो हम मेथड फर्स्ट की बात करते हैं, मेथड फर्स्ट नंबर लाइन। सो दिस इज 0 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट साइड देयर आर पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड ऑफ द 0 नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। सो हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2 को सब्ट्रैक्ट करना है हमने 3 में से। सो हम क्या करेंगे, पहले 3 को मार्क कर लेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन में हम राइट साइड जाते थे, सब्ट्रैक्शन में हम लेफ्ट साइड आएंगे, ये फर्स्ट मेथड है। हम कितने स्टेप लेफ्ट पर आएंगे, 2 स्टेप। हम कहाँ पर पहुँच गए, 1 पर चले, कहाँ से थे हम, 3 से। सो 1 पर पहुँच गए, हमारा आंसर क्या आ गया, 1। इट मीन्स 3 - 2 = 1, यहाँ पर लिख दो 2 स्टेप्स। देखो जो एरो इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आए, ठीक है। अगर हम माइनस वाले इंटीजर में से प्लस वाला इंटीजर माइनस करेंगे, -3 -5, ये कुछ सिमिलर टू द एडिशन बन जाएगा, जो हमने एडिशन किया था नंबर लाइन पर, एडिशन की थी ना, ये सिमिलरली वैसा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, देर इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -3 ये रहा, इसमें से माइनस क्या करना है आपने, 5, तो 5 स्टेप्स बैकवर्ड चले जाओ, 1 2 3 4 5, आप कहाँ पर पहुँच गए, 8 पर। आपका आंसर क्या आ गया इसका, -8, 5 स्टेप्स बैक, ओके। अगर हम माइनस वाला इंटीजर माइनस करना चाहें,
अगर हम थ्री में से माइनस सिक्स को माइनस करना चाहेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा थ्री। इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम देखते हैं। सो देयर इज ज़ीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। सो माइनस थ्री में से हमने सिक्स को माइनस करना है, तो अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर माइनस करना है तो लेफ्ट साइड पर मूव करोगे आप उतने स्टेप, अगर नेगेटिव इंटीजर माइनस करना है तो उतने स्टेप आप राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हम कहाँ पर पहुँच गए? थ्री पर। माइनस थ्री से चले थे, थ्री पर पहुँच गए। देखो हमारा आंसर थ्री ये आ गया ना, ये आ गया सिक्स स्टेप्स। कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी तो मैं आपको माइनस थ्री माइनस सिक्स वाला दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक हमने माइनस थ्री में से माइनस सिक्स को माइनस करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, माइनस थ्री से स्टार्ट करेंगे, और अगर हमने नेगेटिव वाला इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना हुआ तो हम पॉजिटिव साइड में मूव करेंगे। ओके, सो अगर हम पॉजिटिव साइड में मूव करेंगे तो हम थ्री पर पहुंच जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव के थ्री। लेकिन इस मेथड में क्या है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, सर हमने पहले तो हम बैक साइड मूव कर रहे थे, अब अचानक हम आगे मूव करने लग गए। सो हमारे पास सेकंड मेथड है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हम सेकंड मेथड का यूज करेंगे। सो सेकंड मेथड क्या है, हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले ली थी या कोई और ले लें। चलो एक दो हम पुरानी एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो हम न्यू एग्जांपल के साथ कर लेंगे, ठीक है? सो लाइक हमने माइनस करना है थ्री में से टू को, ठीक है? थ्री में से टू को माइनस करना है, हमारा आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव वन आएगा, ठीक है? हमें पता है हमारा आंसर पॉजिटिव वन आएगा। सो इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें सिर्फ एक ट्रिक यूज़ करनी है हमने। इसके उस ट्रिक के साथ आप किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, आप नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन कर सकते हो उसकी। सो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, सेंटर में ज़ीरो आएगी, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे हमारे, विद द डिफरेंस ऑफ इंटीजर सेम, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। सो अब हमने करना क्या है, हम जो ये सेकंड इंटीजर है, सेकंड नंबर है, ठीक है, उसको मार्क कर लेंगे नंबर लाइन पर और फर्स्ट नंबर की तरफ जाएंगे, जो ये फर्स्ट नंबर है इसकी तरफ जाएंगे। ओके, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो हम टू से किस साइड मूव करेंगे? राइट साइड। कितने स्टेप मूव किए हमने? वन स्टेप मूव किया, हम थ्री पर पहुंच गए। ओके, तो जितने स्टेप आपने मूव किए वो आपका आंसर आ गया, ठीक है? इफ वी मूव राइट टू सेकंड नंबर, द इंटीजर डिफरेंस विल बी पॉजिटिव, एंड इफ वी मूव लेफ्ट टू द सेकंड नंबर द डिफरेंस मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, इट्स डिपेंड अपॉन द नंबर्स। ओके, इफ वी मूव
left to second number, the difference may be positive or negative. It depends upon the values of the numbers. Mostly क्या होगा, ये negative ही आएगा mostly. Some conditions में ये positive आएगा, okay? Mostly negative. In some conditions positive. अब इसकी हम और एग्जांपल लेते हैं इसी मेथड की. सो हम अदर एग्जांपल लेते हैं, लाइक वी वांट टू सब्ट्रैक्ट 7 टू माइनस 9. व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर. बट वी वांट टू सॉल्व दिस टू इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पर देखो इसका आंसर क्या आएगा. This is zero center, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4, -5, -6. So there is -1, -2, -3, -4, -5, -6. So on the right hand side we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब स्टार्ट कहाँ से करना है हमने, सेकंड इंटीजर से. सेकंड इंटीजर कौन सा है हमारा, 9 है. सो 9 से स्टार्ट करो आप. आपने जाना कहाँ पर है, फर्स्ट इंटीजर 7 पर, जो फर्स्ट नंबर पर इंटीजर है उस पर जाना है. सो 7 हमारा ये रहा नंबर लाइन पर. अब हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, राइट साइड हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड. देखो ये फर्स्ट स्टेप आ गया लेफ्ट साइड पर, ये सेकंड स्टेप आ गया. सो हमने 9 से स्टार्ट किया, 7 पर आ गए, टू स्टेप्स मूव किए हमने. ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया, 2. हाँ, अब हम लेफ्ट साइड मूव हुए हैं तो जो स्टेप्स हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हैं, इसलिए इनके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो अब नेगेटिव इंटीजर्स वाला भी देख लो आप. अगर नेगेटिव इंटीजर में से नेगेटिव इंटीजर को माइनस करना हो तो हमारा आंसर कितना आएगा. ठीक है, हमने सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने हैं इसमें. ठीक है, हमने 7 की पोजीशन 9 की पोजीशन नहीं देखनी, हमने ये देखना है हम मूव किस साइड हुए, लेफ्ट साइड मूव हुए या राइट साइड. अगर राइट साइड स्टेप लिए है हमने पॉजिटिव आंसर आएगा, लेफ्ट साइड स्टेप लिए हैं तो नेगेटिव आंसर आएगा. जैसे हमें पता है अगर हम -3 को इनको साइन का चेंज करें +6 बन जाएगा और इसका आंसर +3 आएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमारा आंसर यही आएगा. सो अब हम इसको नंबर लाइन पर करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. अब देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, -6 से करना है ना. पहुँचना कहाँ पर है अपने, -3 पर. चलो ये आ गए आप -3 पर. कितने स्टेप्स लिए आपने -6 से -3 पर आने के लिए, 3 स्टेप्स लिए. किस डायरेक्शन में लिए 3 स्टेप्स, राइट डायरेक्शन में लिए. नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखो आप राइट साइड मूव हुए. अगर आप राइट साइड मूव हुए तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर. सो देयर आंसर इज 3, पॉजिटिव इंटीजर. ओके, स्टेप्स को देखकर लिखना है हमने. अगर बैकवर्ड स्टेप्स होंगे तो नेगेटिव आएगा, फॉरवर्ड स्टेप्स होंगे तो पॉजिटिव आएगा. इज इट क्लियर.